राज्य विद्युत जेपीसी बांसवाड़ा E109। आज मैं आपको एनर्जी मीटर के कुछ लोड से जोड़ना सिखाएंगे। एनर्जी मीटर के द्वारा किसी एक हीटर की एनर्जी प्राप्त करना। एनर्जी मीटर क्या है? जो अपने घरों में आमतौर पर मीटर लगता है, इसी को ही एनर्जी मीटर कहते हैं। और यह एनर्जी क्या नापता है? एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को नापता है। एनर्जी मीटर एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है। वो मैं इसको आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। जैसे एक, दो, तीन, चार, यह आपका एनर्जी मीटर हो गया। इसके चार पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर दो कॉइल लगी हुई रहती है, इसको बोलते हैं सीसी और इसको बोलते हैं पीसी, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। इसके अंदर बारीक तारों के बहुत बहुत ज़्यादा टर्न्स बने होते हैं और इसके अंदर मोटे तार का कम टर्न्स होते हैं। हमने ये चार पॉइंट हो गए, तो यहाँ से जैसे अपने को इसको कनेक्शन करना है, तो इनकमिंग कनेक्शन पी यहाँ पे फर्स्ट पे डालेंगे, एन आपका सेकंड पे जाएगा, यहाँ पे 230 वोल्ट एसी, ये लोड के लिए चल गया। यहाँ पे अपन एक हीटर लगा देंगे, हीटर का अपना एनर्जी मीटर एनर्जी ज्ञात करनी है। ये हीटर लगा दिया, वो भी 1000 वाट का। अभी एनर्जी मीटर यहाँ से सप्लाई कर देंगे। सप्लाई देने के बाद में यहाँ से सप्लाई होकर इस हीटर में आएगी और हीटर ऑन होगा तो यहाँ पे इसकी जो मीटर की डिस्क है, हीलियम की डिस्क है, ये रोटेट करेगी और ये एनर्जी को काउंट करेगी। एनर्जी 1000 का हीटर एक घंटा कंटिन्यू चलता है, तो एक यूनिट ऊर्जा खर्च होती है और इसको KWh भी कहा जाता है। बस आज अपन इतना ही, नेक्स्ट कल और देखेंगे।